हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में बैलिस्टिक मिसाइल के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मल्टीपल वॉरहेड इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल MIRV के बारे में पूरे अच्छे तरीके से डिटेल्स में समझेंगे, वो भी वीडियो के साथ। US और सोवियत यूनियन के कॉन्फ्लिक्ट का उपज है MIRV। सोवियत यूनियन ने मॉस्को को बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से बचाने के लिए एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना चालू कर दिया। इससे पावर बैलेंस बिगड़ने लगा दोनों देशों में, तो US ने सोचा अगर हम मिसाइल के फ्लीट को और बढ़ाते हैं तो इससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो हम ऐसे मिसाइल डेवलप करते हैं जिसमें एक साथ कई सारे वॉरहेड हो और अलग अलग टारगेट को हिट कर सके। इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा अटैकर को, क्योंकि जिसे मिसाइल का अटैक रोकना है उसे कई सारे इंटरसेप्टर मिसाइल लगाना होगा ताकि वो सारे वॉरहेड को ख़त्म कर पाए। 1968 में US ने पहला MIRV मिसाइल मिनटमैन 3 को टेस्ट करके सोवियत यूनियन पे काफ़ी बढ़त बना लिया। तो सोवियत यूनियन भी कहाँ पीछे बैठने वाला था। उसने अपने R-36 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में MIRV ऐड कर दिया। पहली बार 1975 में 3 वॉरहेड के साथ और फिर बाद में अपग्रेड वर्जन में 10 वॉरहेड तक MIRV डेवलप कर लिया। 2014 के अमेरिका के न्यू पॉलिसी की वजह से MIRV मिसाइल डेवलपमेंट को स्लो कर दिया गया, लेकिन रशिया लगातार MIRV मिसाइल बनाया जा रहा है। इस समय अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और UK के पास MIRV मिसाइल एक्टिव में, वहीं इंडिया Agni-5 और Agni-6 में MIRV सिस्टम लगाने पे काम कर रहा है। वहीं एक और कंट्री इसराइल को लेके एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन कि उसके पास यह मिसाइल हो भी सकता है। MIRV का डेवलपमेंट 3 फेज में हुआ। पहला था सिंगल मिसाइल, सिंगल वॉरहेड, जो सिंपल बैलिस्टिक मिसाइल होता है। उसके बाद मल्टीपल रीएंट्री व्हीकल पेलोड लगाया गया बैलिस्टिक मिसाइल में। ये मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड ले जा सकता था, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम यह था कि सारे वॉरहेड को एक ही टारगेट के आसपास गिरा देता था। उसके बाद MIRV मिसाइल सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल आया जो मल्टीपल वॉरहेड लेके जा सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर एक वॉरहेड अलग अलग टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब जानते हैं MIRV कैसे टारगेट को हिट करती है। पहले मैं आपको पिक्चर के साथ समझाऊंगा, बाद में वीडियो के साथ, ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आप वीडियो को अंत तक देखें। ये लॉन्च सीक्वेंस मिनटमैन 3 MIRV मिसाइल का है। फर्स्ट पोजिशन पे मिसाइल लॉन्च के लिए रेडी है। फर्स्ट स्टेज रॉकेट बूस्टर मोटर में फायर होगा और मिसाइल लॉन्च होगा। मिसाइल लॉन्च के 60 सेकंड बाद फर्स्ट स्टेज ए ड्रॉप होगा, उसके साथ सेकंड स्टेज मोटर बी इग्नाइट होगा। कुछ टाइम में ही मिसाइल स्रॉड ई इजेक्ट होगा। इस फिगर में आप अच्छे से समझ पाओगे स्रॉड के बारे में। ये येलो कलर का जो दिख रहा है वही है। इसमें दो और इम्पॉर्टेंट टर्म है, अभी समझा देता हूँ ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना होगा। आप इसमें चाफ डिस्पेंसर का पोर्ट देख रहे हैं, इसमें चाफ सेल रहता है। यह क्लाउड फॉर्म करता है जब वॉरहेड टारगेट के लिए एक्सो एटमॉस्फेयर से निकलता है, ताकि रडार सिग्नल को कंफ्यूज कर पाए और मिसाइल को एग्जैक्ट इंटरसेप्ट ना कर पाए सामने वाले देश जिसमें मिसाइल फायर हुआ है। इसमें री एंट्री व्हीकल जो आप देख रहे हैं वो और कुछ नहीं, वॉरहेड है। ये पूरा यूनिट को पोस्ट बूस्ट व्हीकल या फिर बस कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं और थर्ड पोजिशन पर आते हैं, लॉन्च के 120 सेकंड के बाद का समय। यहाँ थर्ड स्टेज मोटर इग्नाइट होगा और सेकेंड स्टेज बी सेपरेट हो जाएगा। पोजीशन 4 पे आते हैं, 180 सेकेंड आफ्टर लॉन्च थर्ड स्टेज सी थ्रस्ट टर्मिनेट होगा और पोस्ट बूस्ट व्हीकल डी, जिसे बस भी कहा जाता है, वो सेपरेट हो जाएगा रॉकेट से। उसके बाद आएगा पांचवा पोजीशन, जहाँ बस खुद को मेनोवर करेगा और री एंट्री व्हीकल को डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी करेगा। सिक्स्थ पोजीशन पे री एंट्री व्हीकल डिकॉयस और चाफ को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। डिकॉय री एंट्री व्हीकल की तरह होता है, ताकि दुश्मन देश कंफ्यूज हो जाएगा वॉरहेड और डिकॉय में। सातवें पोजीशन पे री एंट्री व्हीकल और चाफ सिर्फ एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा बहुत ही हाई वेलोसिटी से। लास्ट में टारगेट को हिट कर दिया जाएगा। देखो, ये बस जो है वो अपने स्मॉल ऑनबोर्ड रॉकेट मोटर और इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम के मदद से अलग अलग वॉरहेड का ट्रेजेक्टरी फिक्स करके उसे रिलीज कर देगा एक के बाद एक। इस पिक में देखो क्या शानदार लुक है जब री एंट्री व्हीकल एटमोस्फेयर में एंटर कर रहा है।
ये सिंगल वॉरहेड वाला मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज बूस्टर मोटर फायर हुआ और मिसाइल हुआ लॉन्च। मिसाइल लॉन्च होने के 60 सेकंड बाद देखो फर्स्ट स्टेज का सेपरेशन होगा, फर्स्ट स्टेज सेपरेट हुआ और सेकंड स्टेज का मोटर क्या हुआ, बर्न हो गया। ठीक है, अब ये सेकंड स्टेज का सेपरेशन होगा और थर्ड स्टेज का मोटर बर्न होगा। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो है ये इसका जो स्रॉड मैंने बताया था ना वो सेपरेट हो जाता है बाद में। और देखो यहाँ पे ये सेकंड स्टेज का सेपरेट हुआ और ये फाइनली देखो ये थर्ड स्टेज के बाद क्या होगा, ये जो बस है ये पूरा सेपरेट हो जाएगा बस। और इसमें देखो दो तरह का आपको वॉरहेड दिख रहा है, एक ब्लैक कलर का और दूसरा रेड कलर का। तो ये जो ब्लैक कलर का है री एंट्री व्हीकल है और जो रेड कलर का है जो आपको मैं बताया था वो डिकॉय है। ये डिकॉय एक्चुअली कन्फ्यूजिंग के लिए होता है, ये दोनों साथ में चलता है एक्सो एटमोसफियर के बाद, ये एटमोसफियर में एंटर कर ये दोनों साथ में चलता है। देखो तो सामने वाले देश को है ना ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सामने वाले जो मिसाइल है उसको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा ओरिजिनल में री एंट्री व्हीकल है, कौन सा वॉरहेड है और कौन सा डिको है। ये पूरे लिस्ट है किस कंट्री के पास कितने और किस किस टाइप के MIRV मिसाइल है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।